हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना खिचड़ी, इजी रेसिपी। इसके लिए मैंने ली हूँ 2 बड़े चम्मच दही, 2 आलू काट के, हरी मिर्च और करी पत्ता, जीरा, और ये मेरा आधा किलो से ज़्यादा साबूदाना है। अब इसमें मैं मिला दूँगी ये जो 2 चम्मच दही था, इसको अच्छी तरह इसमें पहले मिला के मैश कर लेना है। इस तरह से पूरा इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। मैंने इसको वैसे आधा घंटा पहले ही भिगा के रखी थी साबूदाने को, और ये लगभग मेरा साबूदाना भीग गया है अच्छे से। फरारी साबूदाने की इजी और वेरी सिंपल और टेस्टी रेसिपी के लिए इसको हम दही मिला दिए अच्छी तरह से। ये देख लीजिए, ये पूरा मिल गया है। ये है मेरी सामग्री, और इसके लिए ऑयल मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो मिर्ची वगैरह मेरे घर ज़्यादा खाते हैं, तो बाकी आप देख लीजिए आपको जितनी क्वांटिटी ऐड करना है। ये देखिए, साबूदाना खिचड़ी के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसमें तेल डाल दी हूँ। मेरा आधा किलो साबूदाना है, उसके हिसाब से मैंने तेल ऐड करी हूँ, ऑयल ऐड करी हूँ। आप जो क्वांटिटी के हिसाब से मतलब बनाना चाहते हैं, तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं और नमक भी। तो ये देखिए, मेरी कढ़ाई चढ़ गई है, मेरा तेल गरम हो रहा है। मैं अपने हाथ से मतलब मेरे पास फ़ोन ये रखने के लिए स्टैंड नहीं है, तो मैं हाथ से ही इसको ये कर रही हूँ। एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हूँ, एक हाथ से बना रही हूँ। तो देखिए आप लोग, थोड़ा सा इधर उधर जो भी होए तो आप देख लीजिए ज़रा। मैंने डाल दी जीरा, जीरा थोड़ा सा क्रैकर, यानी ज़्यादा हमको काला नहीं करना है, जीरे को हल्का ब्राउन करना है। हल्का ब्राउन करके इसमें अब हम ऑयल आलू डाल देंगे जो हमने काट के रखे थे। जीरे को बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, मैंने सेंग दाना भी इसके लिए मूंगफली को रोस्ट करके छिलके निकाल के उसका दाना भी पीस के रखी थी, बट मैं भूल गई इसको बताना। आलू को थोड़ा सा अच्छी तरह से पकाना है हमको। अब मैं डाल रही हूँ इसमें करी पत्ते, ये देखिए। वीडियो हिल रहा होगा क्योंकि मैं हाथ से पकड़ी हूँ फोन को। ये देखिए, आलू को अच्छी तरह से पका लेना है ऑयल में ही, एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं करना है, यानी ज़्यादा जला जला कुछ नहीं चाहिए। ये आलू मैं तोड़ के देख रही हूँ चम्मच से, ये देखिए। हो गया हमारा आलू का खाने लायक। अब मैं डाल देती हूँ इसमें हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी।
ये रहा मेरा नमक, सॉल्ट और ये मूंगफली जिसको मैंने दर दरा पीसी हूँ। ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है मूंगफली का, हल्का सा दर दरा पीसना है। अब मैं डाल देती हूँ इसमें मूंगफली का ये पाउडर। इसको भी हल्का सा 2 मिनट तेल में ये कर लेना है। पका लेना है हल्का सा। ये देखिए सेंगदाना डालने के बाद इस तरह से थोड़े से बबल्स आते हैं इसमें। ये बबल्स हल्के से कम हो जाए तो हम ऐड कर देंगे इसमें अपना जो भीगा हुआ साबूदाना है हमारा। ये मैं डाल दे रही हूँ अपना भीगा वाला साबूदाना। ये मैंने डाल दी हूँ अपना साबूदाना। अब इसके बाद हम डाल देंगे इसमें नमक, सॉल्ट, अपने ज़रूरत के हिसाब से ही कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। मुझे ज़्यादा बनाना था, ये मेरे ज़्यादा की ही सामग्री मतलब मैंने इसमें ऐड करी हुई, मतलब जितना साबूदाना था आधा किलो से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा ही है मेरा साबूदाना। ये देखिए कैसी खिली खिली खिचड़ी बनी है। इसको थोड़ा देर मैं ढककर होने दूँगी कम आँच पर, 5 मिनट फिर रेडी हो जाएंगे। ये देखिए कम आँच पे मेरा साबूदाना खिचड़ी हो गया है लगभग। मेरी खिचड़ी रेडी हो गई है, साबूदाना खिचड़ी। ये देखिए मेरी साबूदाना खिचड़ी रेडी हो गई है और कैसी खिली खिली बनी है देखिए आप सब, दाने दाने अलग अलग। और मैं इसको नींबू के साथ, यानी मेरे घर में खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। ये देखिए आप मेरी साबूदाना खिचड़ी हो गई है रेडी, इजी एंड झटपट और टेस्टी रेसिपी। चलिए फिर, अगर मेरा रेसिपी वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए कि मुझे और क्या क्या रेसिपी बनाना चाहिए, व्लॉग वीडियो बनाना चाहिए, आप क्या क्या देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए टिल देम, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।